दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एएमडी और एनवीडिया के डिफरेंस के बारे में, यानी कि आपको कौन सी ग्राफिक कार्ड यहाँ पे लेनी चाहिए और आपके लिए कौन सी ग्राफिक कार्ड बेस्ट रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं आरपीएम टेक टिप्स। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि कौन सी आपके लिए ग्राफिक कार्ड बेस्ट रहेगी। यहाँ पे मार्केट में हमारे पास काफी सारी ग्राफिक कार्ड जो है अवेलेबल है, बट यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड जो टॉप में चल रही है वो है एएमडी और यहाँ पे आपको एक और नाम जो पता होगा एनवीडिया। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, दोनों को डिफरेंट बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है और कौन सी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अब हम बात करते दोनों के डिफरेंस की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं कि AMD में आपको जो है सबसे फर्स्ट जो आपको डिफरेंट देखने को मिलता है वो ये है कि आपको जो इसकी वारंटी मिलती है वो है लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। अब अगर हम दूसरी ओर बात करें NVIDIA की, तो यहाँ पे आपको जो है जो कार्ड आप बाय करेंगे, अब यहाँ पे AMD में तो सारे कार्ड्स में आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। जो भी आप जो भी सीरीज की कार्ड लें या फिर जो भी वर्जन लें उन कार्ड का, वहाँ पे आपको सारी कार्ड्स में जो है लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। अगर हम दूसरी ओर बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास NVIDIA है उसमें कुछ कार्ड में आपको जो है 1 ईयर की वारंटी मिलती है, कुछ ऐसे वर्जन जो है कार्ड के उनमें आपको 2 ईयर की मिलती है और बहुत ही रेयर केस में ऐसे वर्जन भी हैं जिनकी आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। तो ये एक यहाँ पे थोड़ा सा मेजर डिफरेंट है AMD और NVIDIA के बीच में। अब दूसरा हम डिफरेंट की बात करें तो यहाँ पे AMD में आपको जो ड्राइवर सपोर्ट मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है, यानी कि आपने एक बार ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया था, आपको उसको दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, जब तक आप आपका सिस्टम फॉर्मेट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं NVIDIA की, तो यहाँ पे आपको कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, ड्राइवर में आपको फिर से इंस्टॉल करना पड़ जाता है, कभी आप स्विच ऑन करते हैं अपने सिस्टम को तो वो ऑन में क्या होता है, आपको जो ड्राइवर होता है वो चल नहीं पाता है, रन नहीं हो पाता है ठीक से, तो ये आपको NVIDIA में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तीसरा जो मेजर डिफरेंट है दोनों के बीच में ये है दोस्तों कि अगर आप एक AMD की ग्राफिक कार्ड लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है काफी सारे मॉनिटर एक साथ कनेक्ट करने को मिल सकते हैं, यानी कि आप एक लोअर एंड की AMD की ग्राफिक कार्ड लेते हैं, यानी कि सबसे जो चीप है वो अगर ग्राफिक कार्ड लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको 4 कम से कम मॉनिटर आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। बट NVIDIA में ऐसा है दोस्तों कि अगर आप सबसे लो कॉस्ट की यानी कि सबसे एकदम चीप कार्ड लेते हैं तो वहाँ पे आपको ओनली 2 ऑप्शन मिलते हैं। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे अपनी कॉस्ट अपना बजट बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे आपको NVIDIA में ज़्यादा जो है मॉनिटर आपको कवर करने को मिल सकता है, बट AMD में ऐसा नहीं है। AMD में अगर आप मिनिमम भी अगर लेते हैं तो भी आपको वहाँ पे 4 और 4 से ज़्यादा ही मिलेंगे। अब चौथा जो मेजर डिफरेंट है दोनों के बीच में, NVIDIA में अगर देखें तो यहाँ पे CUD जो एक कोर होती है, CUD कोर जो कि एक्स्ट्रा एक अलग से वर्क करती है और फिजिक्स टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे वर्क करती है। तो अगर आप दोस्तों मान लो आप कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर डिजाइनिंग करते हैं या 3D रेंडरिंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे NVIDIA बेस्ट हो सकता है। अब AMD में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट एक्स का सपोर्ट होता है और कुछ भी नहीं, नॉर्मल वो आपकी AMD की ग्राफिक कार्ड होती है, ग्राफिक प्रोसेसर लगा हुआ होता है इसमें और कुछ भी नहीं होता है। तो वर्क हालांकि वो भी करती है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगी, इसमें CUD लेयर है, CUD कोर्स है या फिर फिजिक्स टेक्नोलॉजी है तो ये वर्क बेटर करेगी उसके मुकाबले, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कई सारे ऐसे भी बेंचमार्क है जिसमें जो है AMD ने बीट कर दिया है यहाँ पे NVIDIA को। तो दोस्तों यहाँ पे एक हद तक हम उसको जो है यूज कर सकते हैं AMD को, बट यहाँ पे NVIDIA जो है वो काफी अच्छा हो सकता है अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं या डिजाइनिंग कुछ करते हैं तो। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके वर्क पे ये डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज में उसको लेना चाहते हैं ग्राफिक कार्ड को, यानी कि अगर आप सिर्फ नॉर्मली अगर गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो आपके लिए AMD बेस्ट रहता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, AMD में कुछ ऐसे डिफरेंट आपको देखने को मिलते हैं हालांकि जो NVIDIA में नहीं है, यानी कि उसमें पावर रिक्वायरमेंट कम लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको हैरानी होगी सुनकर, बट यहाँ पे जो AMD का ग्राफिक कार्ड आता है उसमें पावर रिक्वायरमेंट कम लगती है, गेमिंग में आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा जो कि NVIDIA की ग्राफिक कार्ड नहीं दे पाएगी, अगर दे पाएगी तो वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक ये मेजर डिफरेंट है, अगर आप सिर्फ गेमिंग करते हैं तो आपके लिए AMD का ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं या फिर एक डिज़ाइनिंग करते हैं या 3D मॉडलिंग करते हैं, रेंडरिंग करते हैं, ये सब आपका वर्क करते हैं पूरी डिज़ाइनिंग का, तो आपके लिए एक NVIDIA की ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छी रहेगी। क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, CUDA जो एक हमारी कोर होती है, इसमें काफ़ी सारी CUDA कोर्स होती है, वो काफ़ी आपको हेल्प करती है यहाँ पे आपकी जो रेंडरिंग करते हैं, आप जो एडिटिंग करते हैं उसमें। क्योंकि दोस्तों ये जो फिजिक्स टेक्नोलॉजी पे पूरी वर्क करती है और यहाँ पे NVIDIA की ग्राफिक कार्ड आपके लिए काफ़ी अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है अगर आप एक वीडियो
थिएटर हैं या फिर एक 3D मॉडलिंग करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ मेजर डिफरेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है इस वीडियो के लिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर से रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए इसी तरह के टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक है, उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो एक लिंक यहाँ पे, उनके जरिए आप लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।